करारा जवाब मिलेगा। मर्लिन खोपड़ा, तुम्हें करारा जवाब मिलेगा। 3 दिन तक मैं शूट कर रही हूँ। मर्लिन खोपड़ा, तुम्हें करारा मिलेगा। वेट एंड वॉच। मेरे को मिले ना ऐसा उल्टा लटका दूंगी ये नींबू के पेड़ पे। अबे ए, चर्बी की दुकान चल, मेरे सामने बस खड़ा होकर दिखा। इतना कर, आ जाओ मेरे सामने, बस एक बार खड़ी होकर दिखा, फिर देखते हैं। ये सब बातें बहुत दूर की बात है। लटका दूंगी, फोड़ दूंगी ये कोमल नाजुक हाथ, 2.5 किलो से ज्यादा भारी है। पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा। साजिद खान बहुत कसूरवार है, लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा। क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है, जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में। राखी सावंत को बहुत दिक्कत हो रही है मुझसे और मेरे पुलिस चौकी पर जाकर उनके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से। साजिद खान एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छी बहन फराह खान के भाई है, इस देश के नागरिक है। सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। तुम लोग साजिद खान के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया अभी बिग बॉस में। अगर हम इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस चौकी न जाएं तो कहां जाएं? हाँ, राखी सावंत के घर जाएं, उससे ये निवेदन करें कि वो हमें इंसाफ दिलाए। शर्म आनी चाहिए उसे, एक महिला होते हुए पीड़ित महिलाओं के प्रति वो सहानुभूति नहीं दिखा सकती है। हाँ, महिला है ना, है कि नहीं? या इस पर भी सवाल पैदा हो सकता है। अरे हर आए दिन शर्लिन चोपड़ा पुलिस चौकी जाती है, हाँ, यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। हर 3-4 महीने आप अपने बॉयफ्रेंड्स नहीं बदलते, हमने कभी कुछ बोला? चुप रहते हैं हम ये सोच कर कि आपकी जिंदगी है, आपकी मर्जी चलनी चाहिए आपकी जिंदगी में। लेकिन हम जब इंसाफ की गुहार लगाने जाते हैं आप हम पर चढ़ जाते हैं। तुम मेकअप 4 किलो का लगा के, साड़ी पहन के मीडिया के सामने जाके दूसरों पे दोष लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाते तुम? किसी पे दोष लगाने से पहले 10 बार सोचो। ये मीडिया है, दूध का दूध पानी की पानी कर देगी। अब पुलिस को भी पता चला कि केस में दम ही नहीं है। ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है, कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए, कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए। क्या है इसको प्रॉब्लम? 31 किलो मेकअप लगाती है, क्या हमने कभी कोई सवाल खड़ा किया? क्या हमने पूछा वो इतना मेकअप क्यों थोपती है? अपने गंजे सर को छुपाने के लिए हेयर एक्सटेंशंस और विग का इस्तेमाल करती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? हर 3-4 महीने अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? हर 6 महीने अपना पति बदलती है, हस्बैंड बदलती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? नहीं, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। तुम तो अभी साड़ी पहनना अभी सीखी हो ना, तुम्हारा देखो तो सही, तुमने क्या क्या पहनकर प्लेट में खुद लेकर गई हो कि खाओ मुझे। ये गलत बात है ना, पहले खुद तो सुधरो फिर दूसरों को सुधारने बैठो। चलो। अरे शर्लिन चोपड़ा तो जिस्म की नुमाइश करती है। तो बहन आप क्या करते हो, चर्बी की नुमाइश करते हो ना? अरे शर्लिन चोपड़ा तो अंग प्रदर्शन करती है। तो आप क्या करते हो, बदसूरती का प्रदर्शन करते हो? आपका करियर नहीं बन रहा तो आप रो रही हो, आपको पुलिस स्टेशन में केस नहीं है बन रहा तो आप रो रही हो मीडिया में आके चिक चिक के, और मेरे सलमान भाई का नाम ले रही है। सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर। तेरे सड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम भी मत ले, समझी ना? बेवकूफ नालायक छिछोरी है वो, एक नंबर की। अरे अटेंशन के लिए और भी कई तरीके होते हैं अटेंशन पाने के लिए। गेट अ चांस टू फीचर ऑन जूम टीवी, हो जा जूमिफाई।